Hello students, Arun Chadha here again addressing all the students of class 7th. You are all welcome to watch this video. We'll be taking up the first chapter titled Three Questions. Three Questions is a story, it's a kind of anecdote written by Leo Tolstoy. It has been redone. What is redoing a story? Redoing a story is that we sort of make changes into the original version and an easier version is created for the students to derive the value of the chapter or whatever we study. So I'll be reading it for you. And you also kindly focus on what you see on your screen. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा के मन में ये विचार आया कि वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाएगा, फेल नहीं होगा, अगर वो तीन चीज़ों का ख्याल रखे या उसे तीन चीज़ें पता हों. These three things were, और वो तीन चीज़ें थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा समय किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए उत्तम होगा, ठीक होगा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरह के लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, किसकी बात को मानना चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए क्या है जो उसे करनी चाहिए. तो ये विचार राजा के मन में आया. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. राजा ने अपने आदमी पूरे राज्य में दौड़ाए, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और वादा किया कि मैं तुमको खूब धन दूंगा, खूब पैसा दूंगा. हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो मेरे को इन तीन सवालों का जवाब ला के देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सियाने लोग, समझदार लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन सब ने उसके सवालों का जवाब अलग ढंग से दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. तो पहले सवाल का उत्तर जो था, लोगों ने उनको कहा कि महाराज आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और आप उसका अनुसरण करें. ओनली इन दिस वे दे सेड, और यही एक तरीका है, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी वो हर काम को ठीक समय पर कर पाएगा. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि समय पे सारे काम हो, कुछ ना कुछ उसमें बाधा या अड़चन आती ही है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. तो राजा को ध्यानपूर्वक हर चीज़ देखनी चाहिए जो कुछ हो रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अपना जिसे कहते हैं इंजॉय करने में, विलास में जो है अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए. ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. हमेशा वह करें जो तुम्हें ज़रूरी उस समय पे लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन. कुछ ने ये कहा कि राजा के पास कुछ ऐसे नुमाइंदे, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इसको समय समय पे अपनी ठीक सलाह दे पाए. हु शुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और महाराज की, राजा की मदद करें ठीक समय पर कि महाराज को क्या करना चाहिए और उनको गाइड कर पाए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. उसका एक कारण ये भी है कि एक अकेला आदमी सारे डिसीजंस, सारे फैसले ज़रूरी नहीं है कि ठीक लेगा. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लिए बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन.
जो कुछ राजा करना चाहता है या कोई व्यक्ति करना चाहता है औरों की मदद लिए बिना भी ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। राजा ने कहा भाई ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका फैसला करना होता है, मैं अपने साथियों का इंतज़ार नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक वो आके मुझे बताएं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं गलती का भी होने की पॉसिबिलिटी है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, तो ठीक समय डिसाइड करने के लिए फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो कोई भी फैसला करने के लिए हमें जो है आने वाले अग्रिम समय में के बारे में भी विचार करना चाहिए, आने वाले समय के बारे में भी एडवांस में विचार करना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सिर्फ जादूगर लोग जो है वो कर पाते हैं। द किंग देयरफोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। लोगों ने कहा भाई राजा के लिए उसके सलाहकार बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ ने कहा द प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब धर्म संगठनों से जुड़े हुए लोग। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा भाई डॉक्टर लोग। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा को जो है अपने सिपाहियों की भी सलाह लेनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, अदर्स चोज फाइटनिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे सवाल का लोगों ने कहा कि भाई विज्ञान का होना भी ज़रूरी है, और राजा को युद्ध भी लड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू फाइट, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और हमें जिसे कहते हैं पूजा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म संग्रहों में भी बहुत ज्ञान की बातें छुपी हुई होती हैं जिससे कि हमारी फैसला करने की क्षमता बढ़ती है। धर्म और अधर्म का जिसे कहते हैं हम उसको बदल सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, और परिस्थिति के अनुसार हम ठीक फैसला कर सकते हैं। एज द अदर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। राजा ने सबकी बात सुनी लेकिन उसको सबकी बात बड़ी भिन्न सी लगी, और वो उससे उसको कुछ तसल्ली नहीं हुई, उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट, तो उसने ये सोचा कि मैं किसी संत की जाके उससे सलाह करता हूँ। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जिसको लोग एक सूझबूझ वाला व्यक्ति समझते हों। विजडम का मतलब सूझबूझ वाला व्यक्ति, और हर्मिट का मतलब साधु संत, और ये एक इस तरह का आदमी होता है जिसने एक अपने आप को दुनिया से अलग किया होता है, हर्मिट जो होता है, और उसकी विचारधारा उसका मेंटल फ्रेमवर्क अलग होता है, वो अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, और वो काफ़ी सूझबूझ इस तरह के लोगों में होती है, त्याग की भावना भी होती है, द्वेष भाव नहीं होता। तो इस तरह के लोगों की सलाह भी कभी कभी हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी और लाभप्रद होती है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और ऐसा जो एक संत था वो जंगल में रहता था और उससे बाहर कभी नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं मिलता था और साधारण लोगों को ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा ने भी अपने एक साधारण से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, इससे कि पहले कि वो उस संत की झोंपड़े पे पहुंचता। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, और उसने अपना घोड़ा जो उसका साथ में रक्षक चलता था उसके पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला हर्मिट के जो है हट पे गया।
As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उसके झोंपड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा वो संत जो है ज़मीन के अंदर खड्डा खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. उसने राजा को नमस्कार करा, उसको ग्रीट करा और अपना काम साथ में करता गया. The hermit was old and weak. संत जो था वो बूढ़ा भी था और कमज़ोर भी था. And as he worked, he breathed heavily. और जैसे ही उसने काम करा उसके बाद उसने लंबी सांस खींची. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा जो है संत के पास पहुंचा और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे को 3 सवालों का जवाब चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कोई भी काम ठीक समय पर किस प्रकार कर सकता हूँ या कैसे कर पाऊँगा. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत है. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दुनिया के अंदर कौन से काम जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, साधु ने ध्यानपूर्वक संत ने जो है राजा की बात सुनी. बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोला नहीं और खड्डा खोदता रहा. यू आर टायर्ड, उसने कहा आप थके हुए हो. सेट द किंग, राजा ने बोला आप थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप जो ये कुदाल है मुझे दे दें और मुझे जो है यहाँ पर काम करने दें. थैंक्स, सेट द हर्मिट, संत ने कहा धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना जो कुदाल थी वो राजा को पकड़ा दी. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो किनारे पे बैठ गया. व्हेन द किंग हैड डग 2 beds, जब राजा ने 2 खड्डे खोद दिए, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और उसने अपने सवाल दोबारा से दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर, संत ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया. बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और अपना हाथ बाहर निकाला और राजा से जो है कुदाल ले ली. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करें और मुझे काम करने दें. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको जो है कुदाल वापस नहीं करी और आगे फिर खड्डा खोदता रहा. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. एक के बाद दूसरा घंटा बीत गया और उसके बाद सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे चला गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेट, और अंत में राजा ने जो कुदाल थी वो ज़मीन में गाड़ दी और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, कि भाई बुद्धिमान पुरुष मैं तुम्हारे पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों का कुछ जवाब लेने के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कुछ आंसर नहीं दे सकते तो कृपया मुझे बताएं. टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं जो है घर वापस चला जाऊंगा. हेयर कम्स समवन रनिंग, सेट द हर्मिट, और संत ने कहा अरे देखो कोई भागता हुआ आ रहा है. आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी हेयर, एंड आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड सर्टन डिफिकल्ट वर्ड्स which and their meanings, which is going to help you. I shall WhatsApp some questions to the related text, and you have to extract the answers of those questions from this first part of the book. You need to find out some meanings on your own also,
from the dictionary. Important words is, first word is listen. Listen ka matlab sunna. First word is listen. Listen ka matlab sunna. Second word is important. Important ka matlab zaruri. Second word is important. Important ka matlab zaruri. Messengers. Messengers ka matlab sandesha lekar jane wale. Messengers ka matlab sandesha lekar jane wale. Kingdom. Kingdom ka matlab rajy. Kingdom ka matlab rajy. Differently ka matlab bhinn tarike se. Differently ka matlab bhinn tarike se. Prepare ka matlab tayar karna ya tayari karna. Proper ka matlab theek thaak. Advance ka matlab pehle se hi. Pleasures ka matlab हर वक़्त सुख की अनुभूति करने की कोशिश करना. प्लेजर्स का मतलब हर वक्त सुख के प्लेजर्स की अनुभूति करने की कोशिश करना. हर वक़्त हंसी ठट्ठे में या एन्जॉयमेंट में अपना समय बर्बाद कर देना. तो अगला शब्द है नेसेसरी. नेसेसरी का मतलब ज़रूरी. नेसेसरी का मतलब ज़रूरी. काउंसिल का मतलब एक समूह, छोटा सा, सलाहकारों का. काउंसिल या काउंसलर उसको बोलते हैं जो सलाह देता है. काउंसिल मतलब सलाह देना. अर्जेंट, तुरंत, जो तुरंत होना चाहिए. नेसेसरी मैं बता चुका हूँ आपको, ज़रूरी. रिलीजियस का मतलब धर्म से संबंधित. रिलीजियस का मतलब धर्म से संबंधित. ऑर्डिनरी का मतलब साधारण. ऑर्डिनरी का मतलब साधारण. डिगिंग का मतलब खोदना. डिगिंग DIGGING डिगिंग का मतलब खोदना. ब्रेथ्ड का मतलब सांस लेना. ब्रेथ्ड का मतलब सांस लेना. अफेयर्स का मतलब ज़रूरी चीज़ें. मैटर्स, बिजनेस, ज़रूरी काम. स्पेड का मतलब कुदाल. स्पेड का मतलब कुदाल. दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड this session, and you will receive your WhatsApp questions exercise so that you are fed through, the knowledge is fed to you through these videos. The difficult meanings which I have told you, you have to make sentences for these words, practice sentences in your rough notebook. Thank you and have a nice day.